जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। बोल कि लब आजाद है तेरे। और चाइना में जाकर के चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। नमस्कार, बोल क्लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा और आज बोल क्लब आजाद है तेरे में एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन विषय। विषय नंबर एक, आखिर क्यों रोई ये मां। विषय नंबर दो, चाइना ने पाकिस्तान के प्रति अपनी दोस्ती को निभाते हुए साबित कर दिया है कि वो एक आतंकवादी का भी समर्थन कर सकती है। और विषय नंबर तीन, जी हां, न्यूज क्लिक की मुहिम रंग लाई क्योंकि अब लोगों में ये बात आग की तरह फैल रही है कि वाकई सत्ता के सामने नतमस्तक मीडिया को बॉयकॉट करने का वक्त आ गया है। यह सब हम चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले आज का पहला विषय, क्या आप जानते हैं कि बीएसएनएल के इतिहास में पहली बार हुआ है जब 1.76 लाख कर्मचारियों को उनका वेतन नहीं मिला है। क्या आप जानते हैं कि नरेगा के कर्मचारियों ने सेक्शन 116 और सेक्शन 420 के तहत करीब 150 पुलिस स्टेशन्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, केस फाइल किया है, क्योंकि उन्हें भत्ते नहीं मिले हैं। पहली बार हुआ यह भी। और यही नहीं, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत की शान थी जिसमें करीब 3,000 करोड़ रुपए लगा, उसमें भी काम करने वाले मजदूरों को अब तक सैलरी नहीं मिली है। 3 महीनों से सैलरी नहीं मिली है। और यह खबर आपको कौन दिखा रहा है? न्यूज क्लिक ने आपको यह खबर बताई क्योंकि गोदी मीडिया पूरी तरह से खामोश है मजदूरों, किसानों, युवाओं की समस्याओं को लेकर। मगर सबसे पहले बीएसएनएल में काम करने वाली इस महिला की रुताली को देखिए। कोई पैसा नहीं देगा मुझे, ठीक है, मांगूंगी तो भी कोई नहीं देगा। मेरे बच्चे छोटे हैं, सबके बच्चे खवा रहे हैं, इसलिए सब चुप बैठे हुए। मैं कहां से करूं? लेकिन ऐसी किससे मांगू? ऐसी स्थिति में क्या किया जाए जब जो है गवर्नमेंट ने अभी सैलरी नहीं भेजी? तो सर मुझे नहीं पता गवर्नमेंट ने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन मैं मुझे ये पता है सर कि मैं अपना घर नहीं चला पा रही। तो देखा आपने कितनी बेबस है ये महिला। मैं जानता हूं कि सरकार ने यह कहा है कि होली से पहले हम सभी को सैलरीज दे देंगे। सवाल वो नहीं है दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर मामला यहां तक आया क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि मित्रों का साथ और मित्रों का विकास के चक्कर में आपने पीएसयूज को बर्बाद कर दिया, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। चाहे बीएसएनएल हो या ONGC, हर जगह हमारे पीएसयूज ब्लीड क्यों कर रहे हैं, उनका रक्त रिसाव क्यों हो रहा है? यह सवाल क्या पूछा नहीं जाना चाहिए? और तब आपको जवाब मिलेगा इस मां के आंसुओं का। दोस्तों, अब हम रुक करना चाहेंगे आज की दूसरी बड़ी खबर का। खबर यह है कि चाइना ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मसूद अजहर को आतंकवादी बताने की, उसे आतंकवादी, ग्लोबल आतंकवादी घोषित किए जाने की भारत की कोशिशों पर एक तरह से अंकुश डाल दिया है। यह मामला 6 महीने के लिए मुलतवी हो गया है। यह चीज मुझे हैरत में नहीं डालती है दोस्तों। आखिर क्यों हैरत में डालेगी? क्योंकि चाइना और पाकिस्तान बहुत मजबूत दोस्त हैं और चाइना ने यह साबित कर दिया है कि वो एक आतंकवादी का साथ देने को तैयार है। मगर क्या हमारी तैयारी पूरी थी दोस्तों? तो मैं आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से कुछ तथ्यों को पेश करना चाहूंगा जो ये साबित करेगा कि विदेश नीति के मोर्चे पर और सामरिक नीति के मोर्चे पर भारत किस तरह की गलतियां करते रहा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि 73 दिनों तक चले डोकलाम टकराव के बाद हुआ क्या। जैसे कि आप जानते हैं कि डोकलाम में भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने आ गई थी, उन पे छिटपुट संघर्ष चल रहा था, टकराव नहीं कहूंगा, छिटपुट संघर्ष चल रहा था और वो संघर्ष बड़ा हो सकता था।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये नहीं चाहते थे कि 2019 से पहले चाइना के साथ सैनिक टकराव हो, क्योंकि अगर चाइना के साथ सैनिक टकराव होता तो आप जानते हैं कि 1962 में क्या हुआ था। और 1962 के बाद अब तक चाइना की सेना जो है उसमें लगातार बढ़ोतरी आ रही है। चाइना भारत की सीमा से लगे हुए तमाम जितने भी देश हैं या अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार मजबूत करता आ रहा है, चाहे डोकलाम हो चाहे तिब्बत हो, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार वो मजबूत कर रहा है। यानी कि प्रधानमंत्री चाइना के साथ टकराव नहीं चाहते थे। इसका परिणाम क्या हुआ दोस्तों? इसका परिणाम यह हुआ कि भारत और चाइना के बीच, गौर कीजिएगा इस बात पर, वुहान सम्मेलन हुआ, अनौपचारिक वुहान सम्मेलन, जहां भारत और चाइना के बीच चाइना इंडिया प्लस की पॉलिसी को जन्म दिया गया, जिसमें दोनों देशों के बीच ही नहीं बल्कि पड़ोसियों के साथ व्यापारिक संबंधों को बेहतर करने के लिए दोस्तों नींव रखी गई। मगर हुआ क्या दोस्तों, जब यह वुहान समिट चल रहा था, इस दौरान दो चीजें हुई। सबसे पहली बात, भारत ने मसूद अजहर को लेकर चाइना पर दबाव डालना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि भारत ऐसा कोई मुद्दा नहीं छेड़ना चाहता था जिससे दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर हो, डोकलाम में संघर्ष फिर शुरू हो जाए। लिहाजा फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे मोदी। तो इस पूरे वक्त में मसूद अजहर को लेकर किसी भी तरह की कोई मंत्रणाएं नहीं हुई भारत और चाइना के बीच। जबकि वुहान समिट चल रहा था, कायदे से आपको कोशिश करनी चाहिए थी, यह प्रयास करना चाहिए था कि आप चाइना पर दबाव डालते, मगर ऐसा आपने नहीं किया। यही नहीं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग हुआ, और यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडिया पैसिफिक थिएटर जो है या इंडिया पैसिफिक साझेदारी जो है, उसका मकसद किसी देश को टारगेट करना नहीं है, और किसी देश से मतलब था चाइना। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इंडिया पैसिफिक थिएटर है क्या, आपको समझना होगा। दरअसल जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत, ये जो पूरा इंडिया पैसिफिक का इलाका है ना, भारत और प्रशांत महासागर का जो इलाका है, यहां पर तमाम प्रजातांत्रिक देशों के बीच साझेदारी कायम करना ताकि चीन के प्रभाव को कम किया जाए, ठीक है, चीन के प्रभाव को कम किया जाए। मगर वुहान समिट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना घबराए हुए थे कि उन्होंने शंग्रीला में जाकर यह कह दिया कि साहब इंडिया पैसिफिक जो इनिशिएटिव है या इंडिया पैसिफिक साझेदारी है, उसका मकसद चाइना को टारगेट करना नहीं है। अरे भाई, उसका मकसद चाइना को ही टारगेट करना था। क्यों? क्योंकि चाइना लगातार अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा था और अपनी जो व्यापारिक क्षमता था या सैनिक क्षमता था, उसके जरिए उसकी दादागिरी बनी हुई थी। ये इनिशिएटिव इंडिया पैसिफिक सम्मेलन जो है वो 2007 से उसकी नींव रखी जा रही थी। इसका मकसद यह था कि इस पूरे इलाके में ऐसी सामरिक व्यवस्था कायम की जाए जिससे चाइना पर दबाव बनाया जाए। देखिए, हर चीज का समाधान युद्ध नहीं होता है। आप सोचिए, अगर भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ये पूरे इंडिया पैसिफिक क्षेत्र में जो तमाम देश हैं, जब वो एक साथ आएंगे तो चाइना पर कितना दबाव बनेगा। मगर भारत ने क्या किया, पहले तो जो वुहान समिट हुआ उसके जरिए आपने मौलाना मसूद अजहर को लेकर चाइना पर दबाव नहीं बनाया। फिर जब शंग्रीला समिट हुआ या शंग्रीला डायलॉग हुआ, वहां जाकर आप कहते हैं कि साहब चाइना को निशाना बनाना मेरा मकसद नहीं है, वहां पर आप नर्म पड़ गए। तो मैं यही तो पूछना चाहता हूं आपसे, अगर चाइना आज की तारीख में पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है तो आप इतने अरसे तक चाइना के साथ नर्म क्यों थे? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चाइना के सामने आप नतमस्तक हो गए, आप चाइना के सामने नर्म क्यों थे और ये सवाल क्यों नहीं उठाए जाएंगे? दोस्तों, एक अरसे से मैं फॉरेन अफेयर्स कवर करता रहा हूं और
मुझे पता है कि फॉरेन पॉलिसी या डिप्लोमेसी जो होती है ना, वो तालमेल बिठाने का खेल होता है। यानी कि हर चीज छाती ठोककर, 56 इंच की छाती बटाकर जो है वो काम नहीं होता है। उसके लिए जरूरी है कि आपको फूंक फूंक कर कदम रखना होता है। मगर इस सरकार की प्रॉब्लम यह है कि इनकी सारी नीतियां जो बनाई जाती हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर बनाई जाती हैं। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, आपको तालमेल बिठाना पड़ेगा, ये आप नहीं कर रहे हैं। और अब मैं बात करना चाहूंगा तीसरे मुद्दे की, बॉयकॉट गोदी मीडिया। आपको याद होगा इसी तरह से बोल के लब आजाद है तेरे में मैंने आपके सामने विषय रखा था कि हमें गोदी मीडिया को क्यों बॉयकॉट करना चाहिए, क्यों न्यूज चैनल्स में ऑपोजिशन को अपने प्रवक्ताओं को भेजना बंद करना चाहिए, क्योंकि ये न्यूज चैनल्स हमारे समाज में नफरत फैला रहे हैं, ये न्यूज चैनल सिर्फ मोदी मोदी करते हैं और यहां ऑपोजिशन के जाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। याद है आपको कार्यक्रम, उसकी एक छोटी सी झलकी देखिए। सवाल नंबर एक जो मीडिया को पूछना चाहिए था, मगर 14 फरवरी को पुलवामा की वो शहादत हुई थी और अब तक किसी न्यूज चैनल ने इस मुद्दे को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं किया। और वो सवाल आपके सामने ये है कि आखिर 300 से 350 किलोग्राम लेकर वो आतंकवादी हमारे सैनिकों के पास पहुंचा कैसे। मुद्दा नंबर दो जो हमारे न्यूज चैनल्स अब भी नहीं उठा रहे हैं, यहां पर सवाल यह कि यह एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था। आखिर न्यूज चैनल्स यह सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं कि बख्तरबंद गाड़ियों में उन सैनिकों को जाना चाहिए था मगर उन्हें आम बसेस में भेजा गया। तो इसका परिणाम यह हुआ दोस्तों कि कल से लगातार बॉयकॉट गोदी मीडिया ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे, और हमारा कार्यक्रम जो है वो इस ट्रेंड में सबसे ऊपर है। यही कार्यक्रम जिसकी झलकी आपने अभी अभी देखी। यही नहीं, मेरे इस कार्यक्रम के आने के बाद तेजस्वी यादव ने तमाम विपक्षी दल को एक लेटर लिखा, ये लेटर जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि बॉयकॉट कीजिए न्यूज चैनल्स को क्योंकि ये हमारी आवाज नहीं सुनते, उल्टा ये लोग हमें टारगेट करते हैं, इसलिए बॉयकॉट करने की जरूरत है। यही बात सौरभ भारद्वाज ने अपने ट्वीट के जरिए की जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं। यही बात बसपा और सपा भी कह रहे हैं। तो जो मुहिम हमने शुरू की थी, क्योंकि हमारा मानना है कि जब मीडिया सत्ता में बैठी ताकतवर पार्टी से सवाल नहीं करती है तो वो अपना काम नहीं कर रही है, और जब तक वो अपना ये काम नहीं करेगी तब तक उसे देखने का कोई फायदा नहीं है। मगर जानते हैं आप दोस्तों, आज सुबह हुआ, मैं उस पत्रकार का नाम नहीं लेना चाहूंगा, ये पत्रकार मुकेश अंबानी के चैनल में काम करते हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इन्होंने अपना एक कार्यक्रम किया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के साथ संवाद कर ही रहे हैं, चाहे वो अपने चुनावी भाषण हो या मन की बात हो, तो उन्हें क्या जरूरत है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। बहुत अजीब और गरीब बात है दोस्तों, क्योंकि जब पत्रकार ही प्रेस कॉन्फ्रेंस ना चाहे, वो सवाल ना पूछे। देखिए, जब प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं या चुनावी भाषण देते हैं ना, वो वन वे ट्रैफिक है, मगर जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो आपकी जवाबदेही बढ़ जाती है। मनमोहन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे इसीलिए उनकी जवाबदेही तय की थी उस वक्त के न्यूज चैनल्स ने, तभी हमने कांग्रेस से तीखे और तल्ख सवाल किए थे। और दोस्तों, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, कुछ दिनों पहले ऑल इंडिया रेडियो का एक कार्यक्रम हो रहा था, जश्न मनाया जा रहा था मन की बात का, कि मन की बात के 3 साल हो गए हैं, और वहां एक और पत्रकार ने यह कहा था, और इत्तेफाकन वो इसी चैनल से थे, कि साहब प्रधानमंत्री मन की बात तो करते ही हैं, तो अब विपक्ष को यह आलोचना नहीं करनी चाहिए कि वो सवालों के जवाब नहीं देते। आप देख रहे हैं दोस्तों क्या हो रहा है, जब आप सत्ता पक्ष को यह छूट देते हैं कि वो आपके सवालों का जवाब नहीं दें, तब इस तरह की घटनाएं होती हैं जैसे कि आपने कार्यक्रम की शुरुआत में देखा। बीएसएनएल के कर्मचारियों को पैसे नहीं मिलते, भारत का गौरव स्टैच्यू फॉर यूनिटी के कर्मचारियों को, मजदूरों को पैसे नहीं मिलते, नरेगा के कर्मचारियों को भत्ता नहीं मिलता, तब ऐसा होता है जब गोदी मीडिया सवाल पूछना भूल जाए। खैर, मगर हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, न्यूज क्लिक अपनी जिम्मेदारी को समझता है, और यही वजह है कि हम ये सवाल लगातार पूछते रहेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, और मेरी आप सबसे अपील कि आप इस कार्यक्रम को लाइक और शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत,
नमस्कार।